ज्यादा नमक हो जाए तो मुझे लगता है कि यह गलती तो हर किसी ने कभी न कभी की ही होगी। खाने में नमक कम हो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है, मगर ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे। अगर नमक ज्यादा हो तो सब्जी, सूप या ग्रेवी में गूंथे हुए आटे के 2-3 बॉल्स बनाकर उसमें डाल दें और थोड़ी देर उसे पकने के लिए छोड़ दें। आटा एक्स्ट्रा नमक सोख लेगा और आपकी सब्जी में नमक बराबर हो जाएगा। आप उसमें दही या फिर कच्चे आलू के टुकड़े भी डाल सकते हैं। आलू का स्टार्च नमक सोख लेगा। मिर्ची ज्यादा हो जाए तो नमक के बाद जिस चीज में हम गलती करते हैं वो है मिर्ची डालने में। कितनी मिर्ची ज्यादा होगी और कितनी कम हम समझ नहीं पाते। अगर आपकी सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाए तो उसमें आप दूध, क्रीम या फिर दही डालकर उसे कुछ 1-2 मिनट के लिए पका लें। दही और दूध जैसी चीजें मिर्च के असर को कम कर देंगी और आप बिना मुंह जलाए अपनी सब्जी या ग्रेवी का आनंद ले सकते हैं। प्याज को काटना, आंखों में जलन, पानी और बहती नाक। प्याज काटना मतलब ये 3 समस्याएं। ऊपर से इस वजह से प्याज भी ठीक से नहीं काट पाते, लेकिन इस टिप को आजमाने के बाद आपके लिए प्याज काटना आसान हो जाएगा। जब भी प्याज काटने लगे उसे छीलकर आधा घंटा 45 मिनट उसे ठंडे पानी में भिगोकर रख दें या फिर आप उसे 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रख दें। इससे प्याज में मौजूद एंजाइम्स हवा में कम रिलीज होंगे और आपके लिए प्याज काटना आसान होगा। पराठे कैसे बनाएं नरम? पहले तो रोटियां ही गोल बन जाएं, यह बड़ा टास्क होता है। पराठे तो दूर की बात है, इन्हें बनाने में और ज्यादा मेहनत लगती है, और दूसरी बात है इन्हें नरम बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे नरम नरम बने तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सही आटा गूंथना। आटा गूंथते समय अगर आप उसमें 2 चम्मच दूध और 1 छोटा चम्मच घी डाल दें तो आपके पराठे भी नरम नरम और स्ट्रेची बनेंगे। पूरी न बन जाए पापड़, आलू पूरी, छोले पूरी, वाह सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। मगर चुनौती है कि पूरी प्लफी नहीं बनती, ठीक से फूलती ही नहीं या तेल ज्यादा हो जाता है और बन जाती है पापड़ जैसी। अगर आपकी भी यही परेशानी है तो फिर यह टिप जरूर आजमाएं। सबसे पहले पूरी का आटा रोटी की तुलना में थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए उसे गूंथते वक्त ध्यान दें। और दूसरी अहम बात, जब पूरी बेलें तो उसे कुछ देर के लिए फ्रिज में या फिर बाहर सेट होने के लिए रख दें। पूरी बनाते वक्त उसे ठीक प्रेशर में दबाना भी जरूरी होता है।